पलवल के डॉक्टर बीआर अंबेडकर कॉलेज के प्रिंसिपल पर एक बार फिर से एक महिला शिक्षक से अश्लील बातें करने एवं छेड़छाड़ के गंभीर आरोप का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। हालांकि आरोपों की सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। इस मामले में 3 अगस्त को महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की तरफ से पलवल SP को प्रिंसिपल के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद इस मामले में पलवल पुलिस ने कॉलेज कमेटी की रिपोर्ट आने और जांच के बाद आगामी कार्यवाही करने की बात कही। लेकिन अगर इससे पहले वर्ष 2021 के मामले को गंभीरता से लिया जाता तो शायद आरोपों के घेरे में आए प्रिंसिपल ऐसी हरकत करने की दोबारा हिम्मत नहीं करते। हैरत की बात तो यह है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद पीड़ित महिला शिक्षक ने 23 जुलाई को अपनी शिकायत महिला आयोग को देकर न्याय की मांग की, जहां 1 अगस्त को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद 3 अगस्त को पलवल पुलिस को मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद पलवल शहर थाने में पीड़िता पक्ष के साथ महिला आयोग की एक सदस्य शहर थाना प्रभारी से भी मिली, जहां उन्हें कॉलेज कमेटी की रिपोर्ट आने और जांच के बाद आगामी कार्यवाही करने की बात कही गई। शिक्षकों का आरोप है कि कुछ दिन पहले भी इसी प्रिंसिपल ने छात्रों से कैंटीन संचालक को भी पिटवाया था। जब इस बात का खुलासा हुआ तो प्रिंसिपल ने कॉलेज कमेटी से अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी भी मांगी। इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी इनके आज तक इस मामले में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होना कई सवाल या निशान खड़ा करता है। बता दें वर्ष 2021 में भी इसी कॉलेज के प्रिंसिपल पर एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाए थे और कोई सुनवाई नहीं होने के चलते पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान देने का भी प्रयास किया था, जिस मामले में शहर थाना पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर FIR भी दर्ज की थी। हालांकि वर्ष 2021 के मामले में राजीनामा होने की बात भी सामने आई थी और अब मीडिया के सामने वर्ष 2021 के मामले में पीड़िता ने बताया कि उस पर पलवल शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी ने राजीनामा करने का दबाव बनाया था, जिसके चलते उसने दबाव में आकर राजीनामा कर दिया था। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल बाबूलाल शर्मा ने मीडिया को बताया कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। कॉलेज की इंटरनल राजनीति के चलते उन पर यह आरोप लगाए गए हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात तो यह होगी कि बार बार आरोपों के घेरे में आने वाला यह प्रिंसिपल ही क्यों है। इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए ताकि आरोपों की सच्चाई सामने आ सके, अन्यथा यूं ही महिलाओं का शोषण हर फील्ड में किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस मामले में महिला आयोग की संज्ञान लेने के बाद महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया पर भी राजनीतिक दबाव आने शुरू हो गए हैं। लेकिन महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने यह साफ कर दिया है कि महिला के खिलाफ कार्यवाही चाहती है, उनके खिलाफ कार्यवाही आवश्यक होगी, चाहे उसके लिए उन्हें आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कोर्ट में सबूत ही क्यों ना पेश करना पड़े, क्योंकि इस मामले में उनकी अन्य शिक्षकों से भी बात हुई है जो कि इसी प्रिंसिपल से प्रताड़ित होकर कॉलेज को छोड़ चुके हैं। बाइट व्यू। वहीं कॉलेज के छात्रों की माने तो प्रिंसिपल का कॉलेज के छात्रों के साथ भी व्यवहार ठीक नहीं रहता। इतना ही नहीं, कॉलेज के छात्रों से प्रिंसिपल द्वारा कैंटीन संचालक की भी पिटाई करवाई गई है, जिसका एक ऑडियो भी सामने आया था, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ, जिस मामले में भी उनके द्वारा माफी मांगने की बात सामने आई है। अब अगर ऐसे में एक शिक्षक ही अपने छात्रों को गुंडे बनने की शिक्षा दे रहे हैं तो भला उस शिक्षा के मंदिर में छात्रों का भविष्य कैसे उज्ज्वल हो पाएगा। हम गए थे महिला आयोग में रेणु भाटिया मैम के पास, तो हम गए थे 25 तारीख को गए थे वहाँ पे, फिर उन्होंने 1 तारीख को बुलाया हमें कि आप दोबारा से 1 तारीख को आओ। 1 तारीख को जब हम गए तो ये यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं बाबूलाल शर्मा जी, उनको भी बुलाया था मैम ने कि आप भी आओ, तो इन्होंने बोल दिया मैम मैं नहीं आऊँगा, पर हम गए। इन्होंने बहुत दबाव डाला था कि हम ना जा पाए, कह रहे थे कि यहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम नहीं जाएंगे, रहने तो तुम लोग मत जाओ, पर हम तो चले गए सर, क्योंकि मैम से हम काफ़ी मतलब वो करके गए थे कि मैम प्लीज़ हम बहुत परेशान हैं और हमारी समस्या को सुनो और हमारे लिए कुछ करो। मैम बोली कि आप तो आए थे बेटा, पर आपका तो पता फ़ोन पहले ही आ गया था कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। हमने बोला नहीं मैम, हम तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, आपका तो फ़ोन पहले ही आ गया है, आपके प्रिंसिपल ने फ़ोन करवा दिया है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमने बोला नहीं मैम, हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, हमें तो न्याय चाहिए जो हमारे साथ गलत हुआ है इतने साल। मैं PN का काम करती थी वुमेन सेल में 2014 से। 2021 में यहाँ पोस्ट आई थी 5, उसमें मुझे लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट पे ज्वाइन करा दिया। उसके बाद में प्रिंसिपल बाबूलाल प्रिंसिपल है शर्मा, उसने मेरे ऊपर गंदी नज़र डाली और मुझसे कहने लगा इतने प्रिंसिपल आए और गए, किसी ने भी तेरी तरफ
कुछ नहीं किया, मैंने तुझे नौकरी पे लगाया, तू मेरे लिए क्या करेगी। मैंने बोला सर मैं आपका घर तक का काम कर दूंगी और कॉलेज का जो काम बोलोगे वो मैं सारा काम करूंगी। बोलने लगे कि उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्या मैं अपने घर पे नौकरानी नहीं रख सकता या यहाँ स्टाफ से कुछ काम नहीं करा सकता। उनकी सर जो भी काम बोलोगे मेरे बच्चों की और मेरी आपकी दुआ लगेगी, आपने मुझे कॉलेज में नौकरी दी, मैं 7-8 साल से 6-6 महीने की नौकरी कर ली थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं धन्यवाद का मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल बाबूलाल शर्मा ने बोला मुझे या तो मेरे साथ अटैच में रहे या नौकरी छोड़ के चली जा, नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती। ये सारी जो भी स्टाफ मेंबर हैं किसी ना किसी के साथ इनका चक्कर चला हुआ है, ऐसे ही नौकरियां मिलती हैं। यारो पूर्ण रूप से निराधार हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियां की गई हैं। और ये एक कॉलेज में ग्रुप बना हुआ है पर्टिकुलरली, वो ग्रुप बिल्कुल कॉलेज के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर उनको काम के लिए टोक दिया गया तो उन्होंने ये बदनाम करने की नीयत से इस प्रकार के आरोप लगाए। असल में हमारे पास लगभग एक सप्ताह पूर्व गवर्नमेंट कॉलेज पलवल की कुछ महिलाएं आई, टीचर्स, जिन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी, हमारे को मेल भी किया उन्होंने, और उन्होंने कई और जगह भी मेल किया है ये कि उनका प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा, वो बाबूलाल शर्मा, वो उनको कई टाइम से प्रताड़ित कर रहा है। लगभग 2-2.5 साल से हर टीचर परेशान है। मेरे पूछने पर कि 2-2.5 साल से तुमने क्यों नहीं कंप्लेंट की, तब उन्होंने बताया कि ये बार बार हमारे परिवार में चला जाता है, हस्बैंड के पास चला जाता है और ये शो करता है कि मैं तो बहन मानता हूँ, मतलब रिश्ते को भी अपमानित करता है और इस तरह से बातें। और पूरी जानकारी के बाद मुझे पता चला कि एक महिला जो डिफरेंट पदों पर थी, पियोन के भी, लाइब्रेरी इंचार्ज के भी, उस लेवल की वो अधिकारी थी, कर्मचारी वहाँ पर, उसने आज से 2-2.5 वर्ष पूर्व फिनाइल की गोलियाँ खा के इससे परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास भी किया, परंतु उसे बचा लिया गया। और फिर उसे ये कहकर कंप्लेंट नहीं करने को कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, और पूरे स्टाफ के सामने उसने माफ़ी मांगी थी और ये भी कहा था मैं तेरे बेटे को नौकरी दे दूँगा, क्योंकि जब उस महिला के परिवार वालों ने कहा अब तू इस कॉलेज में नहीं जाएगी जॉब करने, तो उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं इसके बेटे को नौकरी दे देता हूँ। बेटे को कुछ समय तक नौकरी दी ताकि केस वेस ना बने, मामला शांत हो। उसके बाद बेटे के एग्ज़ाम्स थे तो उसने 2-4 दिन की छुट्टी मांगी तो उसको प्रताड़ित करने लगा। फिर उसने उसकी बेटी पर नज़र रखी, जब उसने और गुस्सा दिखाया जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी, तो उसने कहा कि जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो मैं मीडिया के सामने ना करूं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर एक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए जो किया गया, इन शब्दों के लिए भी उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। हर महिला से उसकी प्रिवेसी पूछना, तू डिवोर्सी है, किस वजह से डिवोर्स हुआ, तेरा पति ये नहीं करता वो नहीं करता, अनसंट बातें जो बिल्कुल पूछने लायक नहीं होती। एक महिला का पति की डेथ हो गई, उसे कहना कि तू अकेली रह गई है, कैसे होगा ये वो फला ढिंका, तो इस तरह की बातें उन महिलाओं के साथ करना और फिर उनको कहना कि अगर मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हारी तरक्की करवाऊँगा, जब वो ऑफिस में जाएं तो उनको कहता था वॉशरूम तक आ जाओ मेरे साथ, मतलब इस तरह की बातें ये सब महिलाओं ने हमें रिकॉर्ड कराई हैं, लिख कर दी हैं, ऑडियो वीडियो हमारे पास दोनों रिकॉर्डिंग है, और हमने इसलिए उनकी फ़ेस टू फेस रिकॉर्डिंग की जो हम हर जगह नहीं बताना चाहते, जहां आवश्यकता पड़ेगी चाहे पुलिस में चाहे कोर्ट में हम बताएंगे। और FIR दर्ज करना वैसे भी ज़रूरी है, केवल इन शब्दों पर भी, जब 10 सेकंड कोई आपको घूर कर देखता है आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये तो 2.5 साल से प्रताड़ित कर रहा था महिलाओं को, और महिलाएं कौन है, जगह कॉलेज की ही प्रोफेसर्स टीचर्स हैं, एक दो कॉलेज के स्टाफ हैं, एक रुताश नाम का स्टाफ कॉलेज का क्लर्क था, उसको तो इसने मारा भी था और फिर माफ़ी भी मांगी थी। तो इस तरह से 2 टीचर्स कॉलेज भी छोड़ गई हैं जिनसे मैंने फ़ोन पर बात की, वो भी मैंने रिकॉर्डिंग रखी है। SP पलवल को इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं केस को दबाने के लिए उस व्यक्ति के फेवर में, और जब मैं कॉल करने वाले व्यक्ति को उसकी बात बताती हूँ तो
इमीडिएट अगला कहता है नहीं नहीं फिर हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें ये बातें नहीं पता थी। अब वो ऑफिशियल बातों को इसमें टर्न करके कि सबूत लाओ, कब प्रिंसिपल ने बोला, कब ऐसे किया, 50 औरतों ने ये बात का बयान दिया, 50 स्टाफ के सामने ये माफिया मांगी गई, एक एक के घर अगला गया, क्यों गया किसी के घर, किसी भी महिला के पति को मिलने क्यों गया, किसी भी महिला के सास ससुर को मिलने क्यों गया। अगर वो कहता है कि मेरा उसके सास ससुर से, जब मैंने ये बात पूछी कि तुम उनके घर क्यों गए, तो उसने कहा मेरा तो पहले से ही इनके सास ससुर से मित्रता है, ये तो और भी लीचड़पना और निकम्मापन हुआ कि यदि किसी के परिवार के बुजुर्गों से तुम्हारा उठना बैठना था, तुम उसी के घर की बहू और बेटी पर नज़र रखते हो, इससे कमीनापन और घटिया हरकत नहीं हो सकती। मीडिया के माध्यम से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री तक, अपने होम मिनिस्टर तक बात पहुंचाती हूं कि ऐसे अध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, न इसमें शिक्षा मंत्री की अप्रोच होनी चाहिए, न इसमें किसी अन्य नेता की अप्रोच होनी चाहिए। यदि शिक्षक ऐसा करेंगे अपने साथियों के साथ, तो वो बच्चियों की रक्षा कैसे करेंगे, हम अपनी बच्चियों को उस कॉलेज में सुरक्षित कैसे जाने, ये हमको विचार करना होगा। और मीडिया अधिक से अधिक इस बात को पहुंचाए ताकि ये व्यक्ति तुरंत अपने आप को स्वयं अरेस्ट करवा दे। और पलवल एसपी से निवेदन है कि इतनी बात ही मुझे लगता है काफ़ी है, अगर आयोग ने इतनी पूरी तह तक बात पहुंचाई है और जानकारी ली है।